नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए मैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में आपकी क्लास में हाजिर होती हूँ। जैसे कि आज फिर मैं आप सभी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के लेकर आई हूँ, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो UP SSSC हो या BA का एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए। ठीक है, और देखते हैं कि आज की क्लास में कैसा क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? परम शून्य ताप है। क्या है क्वेश्चन? परम शून्य ताप है। बताइए, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए परम शून्य ताप है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्या है परम शून्य ताप? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगर इसका पूछता है कि इसका मान कितना है, तो दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परम शून्य ताप का मान कितना है। ठीक है, तो क्या होगा सही जवाब इसका? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सबसे कम संभव तापमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है? यहाँ चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है, स्पेसिफिक हीट का मान है, बताइए कौन से में, चारों ऑप्शन को बताइए। ऑप्शन डी, जल। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का जो सर्वोच्च मान है वो जल में है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब जैसे कि जो न ज्यादा गर्म, जो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता हो और बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता हो, वो उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो इसमें किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान हुआ है, वो है जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, बताइए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, बताइए। ऑप्शन बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः हैं। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः हैं, बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए, चांदी और सीसा। सुचालक और कुचालक कौन से हैं? चांदी और सीसा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? CFL का पूर्ण रूप है, CFL का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। CFL का पूर्ण रूप है क्या है? ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ठीक है, CFL का फुल फॉर्म, CFL का पूर्ण रूप। ठीक है, अगला देखते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं। क्या है क्वेश्चन? रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चारों ऑप्शन का ध्यान पर पढ़िए और बताइए सही जवाब। ऑप्शन सी, अल्फा बीटा और गामा विकिरण जो है रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालक कौन सा अर्धचालक है जो ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग होता है। चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों, ये सभी जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, किसके बने होते हैं? देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक। ऑप्शन बी, डेंटाइन के। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? क्या है क्वेश्चन? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है? ऑप्शन बी, अवशेषी अंग है। क्या है? ऑप्शन बी, अवशेषी अंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है। इसका सही जवाब बताइए आप सभी। दोस्तों बिली रूबिन और बिलवर्डिन दोनों जो है उपस्थित होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, ए ऑप्शन सी सही होगा, ए तथा बी दोनों जो है पित्त रस में पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं। कौन कौन? बिली रूबिन और बिल वर्डिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? क्या है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ध्यान दीजिएगा कौन सा है जो कि नहीं है, बताइए सही जवाब। चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ऑप्शन बी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाचक एवं एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। यहाँ पर क्या है? पाचक एंजाइम एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह। चारों ऑप्शन को पढ़िए। दोस्तों देखिए यहाँ से आपके चार क्वेश्चन रेडी होने वाले हैं। तो क्या है? देखिए टायलिन का लार ग्रंथिया सही है, पेप्सिन का मांसे सही है, माल्टेज का बड़ी आंत सही है, ट्रिप्सिनोजेन का पित्ताशय यह गलत है। ठीक है, यह क्या है? ऑप्शन डी सही होगा आपका। ठीक है, यह सही सही नहीं है। इसका क्या होगा? यह नहीं होगा। क्या होगा? अग्न्याशय। क्या होगा? अग्न्याशय होगा सही जवाब इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका चार क्वेश्चन बनता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आपके चार क्वेश्चन अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है, बताइए। चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए। आई थिंक सभी जानते हैं क्या है। ऑप्शन ए अमोनिया जो है सबसे अधिक विषैला पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, चले अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो कि नाखूनों में पाया जाता है, बताइए कौन सा प्रोटीन है? चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन बी केरेटीन। केरेटीन प्रोटीन जो है नाखून में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। लेजर एक युक्ति है, क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी उद्दीप्त किरण। क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्त विकिरण। ठीक है, उद्दीप्त विकिरण। चलिए अगला देखते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी भी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बाकी तीन असत्य है, इसमें कोई एक सत्य है। क्या है? चारों ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ऑप्शन डी जल में पूर्णतः विलेय होता है। क्या है? कौन सा कथन सत्य है कि जो विरंजक चूर्ण है वह जल में पूर्णतः विलेय होता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? वह कौन सा धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है, बताइए सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, क्विक लाइम कहते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्विक लाइम कहते हैं, किसे कहते हैं क्विक लाइम, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में गलत युग्म को चुनिए।
क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में गलत युग्म को चुनिए। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपका गलत है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी जो है गलत है, इसका क्या होगा? डोलोमाइट का क्या होगा? CaCO3 MgCO3, ठीक है, इसका क्या होगा? CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट का होगा, यह गलत है। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से भी आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं और इसको लेकर चार क्वेश्चन, जैसा कि मैंने इसका बता दिया, CaCO3 MgCO3 होता है, ठीक है। तो इसमें गलत युग्म क्या था? डी, ठीक है, और यहाँ मैंने सही जवाब बताया, तो आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण है, प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण है क्या है? ऑप्शन बी जो है, यानी पोटेशियम जो है प्याज और लहसुन में गंध का कारण है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे कि आपको अन अकेडमी ऐप पर दीपक सर द्वारा जो है यह फ्री क्लासेस, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे यह लॉक कोड यूज करके आप जो है यहाँ से एनरोल कर सकते हैं और उनकी बिल्कुल फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए और जाइए और उनकी फ्री क्लासेस, अन अकेडमी से रिलेटेड जानकारी। हम टेस्ट की बात करें, स्कॉलरशिप टेस्ट, यहाँ पर देखिए पूर्ण जानकारी है आप सभी का। स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है जो कि प्रत्येक संडे को दोपहर में 1 बजे कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रैंक अगर कोई आता है तो उसको 1 ईयर का जो है फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, पूरे 10th रैंक तक के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं, कुछ न कुछ जो है स्कॉलरशिप जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। कौन कौन सी कोर्स है, आप सभी जो अपनी मन पसंदीदा कोर्स को ले सकते हैं यहाँ पे, उसी फी में है, कोई अलग से फी आपको देने की जरूरत नहीं है, उसी फी में आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होनी है। ये देखिए 12 मंथ का यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका 7,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। और अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज कीजिए, जहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फी कितनी हो जाएगी? 6,300 रुपए। प्रिपरेशन कर सकते हैं और बिल्कुल भी अच्छे तरीके से, तो देर मत करिए, जाइए इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और अपनी क्लासेस शुरू करिए, ठीक है। चलें, सिलिका किन तत्वों का यौगिक है, बताइए सिलिका किन तत्वों का यौगिक है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। किस किन तत्वों का यौगिक है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, किसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, बताइए सही जवाब क्या होगा? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ईंटों एवं भवन निर्माण में सही है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में सही है, कंप्यूटर चिप एवं सौर सेल के निर्माण में यह भी सही है। इसकी वजह से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ आपका? ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी, ये सभी सही जवाब है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों आगे की क्लास में फिर से हम इसी अच्छे क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो भी सुझाव है, जो भी क्वेरी हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए और हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की और बेहतर से बेहतर एमसीक्यू कराने के, ठीक है। और ऐसे ही आगे की क्लास में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।